नमो नुय सौ आयुर्याण नमो नुय सौ उज्जयन नमो नुय सौ त्रिकालवर्ती श्रावण ओंकार मेन्दु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः मंगलं भगवान मंगलं भूतमूर्ति मंगलं कुंकुमारी उजेन्द्र मोक्ष मंगलं नमस्मरिस्मरणाय अतीन्द्रिय शुद्ध निर्मल सिद्ध जो लोकाग्र में जैसे मिराजे जीव है भवलीनियों। क्या कहते हैं टीका? और यह कार्य समयसार ने कारण समयसार में अंतर न होने का कथन है। कहते हैं ये सीध भगवान पूर्ण केवल ज्ञान आदि पाया काय संसार है और आत्मद्रव त्रिकाली वो कारण संसार है। समझ में आया? तो सीध भगवान लोकाग्रह जो समय प्रयास है लोकाग्रह सिद्धा सिद्ध भगवान लोक ने अग्रे जो अनंत सिद्ध छे है इसका ही समय सार कहने में आता है। और आत्मा द्रव पहले 2 मिनट वेला आना चाहिए बेटी 2 मिनट वेला आना चाहिए बच्चे गड़बड़ खाए ना आ तो धर्म कथा छे। समझ में आया? कथा से अंदर शुरुआत थाय ते पहला मुझे आवने आवने कई नहीं। कारण के आ कथा कहीं भी बीजी नहीं आपनी कथा एम निमसार अलौकिक बात है। आ बात समझ में आया? श्री भगवान अनंत केवल ज्ञान अनंत दर्शन आदि संपन्न पर्याय संपन्न है ये कार्य संपन्न है। पर्याय में पूर्णता एक कार्य संपन्न है संपन्न है उसका उसको कार्य समय सार कहने में आया है। आया ऐसा ही देखो यह कार्य समयसार और कारण समयसार। कारण समयसार नाम द्रव जो शुद्ध भाव अधिकार है वो विकराली द्रव एक समय की पर्याय लक्षणा न लेता क्यों कार्य समयसार है वो ही पर्याय है और संसार पर्याय है वो भी पर्याय नहीं विषय है। तो आई तो कहते हैं जैसा सिद्ध भगवान है ऐसा ही आत्मा अनादि संसारी का है। जो जीवा संसिद्धि निया एनी दृष्टि में ये बात अनादि से बैठते नहीं है। ये वस्तु ऐसी है और अंतर्मुख दृष्टि करके उसका अनुभव लेना वो मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? ये अंतर वस्तु है ये कार्य समय सार जैसा सिद्ध भगवान जैसा या आत्मा है वो कार्य समय सार और कारण समय सार में अंतर न होने का कथन है। अंतर है ही नहीं सीध समान सदा पद मेरो। समझ में आया? पाठ है देखो जीवा संसिद्धि निया जीवो संसार में पर्याय में हो सकते निगोद की पर्याय में रह सकते द्रव स्वभाव जो अखंड आनंद अभेद सम्यक दर्शन का जो विषय
एक चीज तो सिद्ध जैसी चीज है, उसमें कोई फेर नहीं। समझ में आया? वो कथन है जिस प्रकार लोकाग्र में सिद्ध परमेष्टि भगवान निश्चय से पांच शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी है। लोकाग्र में लिया, देखो यहां धर्माशिका का अभाव हुआ नहीं, लोकाग्र रहने वाली चीज। कल प्रश्न होता है ना कि धर्माशिका अभाव, तो व्यवहार नहीं का कथन है। लोकाग्र रहते हैं वो, उसका पर्याय का द्रव का स्वभाव ये है। लोकाग्र में जिस सिद्ध परमेष्टि भगवान खरेखर पांच शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण, पांच शरीर का प्रपंच है आप, अभाव के अशरीरी है, एम पीछे सब ले लेगा अनु, उसी प्रकार अनु छिली लिटी है दूसरे, उसी प्रकार संसार में भी या संसारी जीव किसी नई के बल से अशरीर है, एम लेना आखिर का शब्द है। जिस प्रकार लोकाग्र सिद्ध भगवान विराजते हैं, ऐसा निश्चय नहीं किसी नहीं, नाम निश्चय नहीं, वो नहीं से आत्मा अशरीर है, अभी अशरीर है, क्योंकि शरीर की तो उसमें नास्ती है। शरीर शरीर के कारण शरीर टकते हैं, नभते हैं, रहते हैं, वो कारण आत्मा से कहीं कुछ है नहीं। समझ में आया? ऐसा ही संसारी जीव निगोद से मानकर दृढ़ दृष्टि से देखो तो कारण समय सार भगवान त्रिकाली वस्तु कार्य समय सार शिव भगवान जैसी है। क्या सेठ, क्या किया? जैसा सीध है ऐसा दृढ़ स्वभाव आत्मा का अत्यारे अभी है। क्या करें उसमें, दृष्टि करना हो करना, दृढ़ करना है क्या है? दृढ़ स्वभाव ऐसा है, वो अंतर्मुख दृष्टि करके ठहरना वो करना है, दूसरा करना क्या है? समझ में आया? ऐसा है ऐसा अंतर्दृष्टि निर्णय करना और ऐसा है उसमें ठहरना करना, दूसरा क्या करना है? मोक्ष मार्ग की बात चलती है ना, दर्शन निर्णय करना और ठहरना हो जा रही तरह ज्ञान तो हो तो हुआ का पुण्य है। समझ में आया? एक बोलूंगा, अशरीर अविनाशा है ना, अड़ताली में निश्चय से नर नारक आदि पर्याय मनुष्यों शरीर आदि गति, समझे ने? ये मनुष्यों नारकीनो देवादि पशु एवं पर्यायो नो त्याग ने ग्रहण का अभाव है। त्याग ग्रहण का आत्मा में अभाव है, सिद्ध में अभाव है, त्याग ग्रहण है कोई? ऐसा आत्मा में है, चार गति का शरीर आदि का ग्रहण त्याग आत्मा में है नहीं, 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 नहीं तो जड़ में है, आत्मा में क्या है? जी में है ही नहीं, तो जड़ जड़ की दशा सब है, गति गति आदि पर बस है, आत्मा की क्या है? ऐसे आंखों गुलाट खाकर पर्याय दृष्टि छोड़कर दृढ़ दृष्टि करना उसका नाम यहाँ मोक्ष मार्ग है। समझ आया? परित्याग ग्रहण के अभाव के कारण इतने क्या कि भाई
जन्मे त्यारे ग्रहण है, मरे त्यारे छोड़ता है। ऐसा आत्मा में है ही नहीं, चीज में है नहीं तो आत्मा में पण एम कहते हैं अभी अब क्या किसको त्यागे ग्रहण हुआ आत्मा में है ही नहीं, किसको छोड़ना कि मृत्यु काल समाधि मरण करके दे छोड़ना, जन्म काल के जन्म शरीर का संग होता है, इसको आत्मा में है ही नहीं जन्म मरण। समझ में आया, खरेखर मनुष्य ने नार की मनुष्य देवादी पर्यायों के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण सिद्ध भगवान अविनाशी है, सिद्ध भगवान व्याख्या चलती है। ऐसे आत्मा भी दृष्टि से है, ऐसा ही है अविनाशी। आत्मा में चार गति का ग्रहण त्याग जन्म मरण का त्याग, आज जन्म संयोग ग्रहण क्या त्याग क्या ऐसा है नहीं। तो समझ में आया, अविनाशी है, आकरण बोला नाशवान कहे ना, आवे जाए आते न जाए उत्पाद भी खाते हैं उस शरीर के, ऐसा ही वो नहीं वस्तु अविनाशी सिद्ध भगवान है, आते न जाते कुछ सिद्ध में है। ऐसे भगवान आत्मा चार गति का संयोग हो न गति का अभाव ऐसी वस्तु में आया। वही परम तत्व में स्थित आत्मा ना परम वस्तु, उसमें सहज दर्शन ज्ञान आदि कारण शुद्ध स्वरूप को, कारण शुद्ध स्वरूप नाम त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, परम तत्व जो त्रिकाली वस्तु उसमें स्थित रहने वाला स्वाभाविक दर्शन ज्ञान आनंद दर्शन आदि आनंद रूप कारण शुद्ध स्वरूप त्रिकाली दृश्य उसको युगपत जानने में समर्थ, एक समय में जानने में ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा, सहज ज्ञान ज्योति द्वारा जिसमें से समर्थन से दूर कर दिए गए, ऐसे स्वरूप वाले होने कारण स्वरूप वाले होने के अतीन्द्रिय है कौन सिद्ध भगवान। हमें हमें कही छे जो परम तत्व में स्थित सहज दर्शनादि रूप कारण शुद्ध स्वरूप टिकाली युगपत जाने में समर्थ कौन सिद्ध, ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा अपनी स्वाभाविक ज्ञान ज्योति द्वारा जिसमें से समस्त संशय दूर होकर निसंशय परिणमन हो गया है, ऐसे स्वरूप वाले होने के कारण अतीन्द्रिय है सिद्ध भगवान। ऐसे आत्मा अतीन्द्रिय ऐसा ही है, समझ में आया। परम तत्व नो द्रव्य स्वभाव वस्तु आनंद कंद सहजानंद एमे रहेला सहज दर्शन आनंद के कारण शुद्ध स्वरूप टिकाली एने एक साथ ही जानने में समर्थपण सिद्ध, ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा सिद्ध को पर्याय में जिसमें समस्त संशय दूर कर दिए गए ऐसे स्वरूप वाले कार अतीन्द्रिय सिद्ध है, उसी तरह आत्मा भी ऐसा ही है। अब वो अंत वो पर्याय द्वारा जानते हैं, आनी शक्ति में जानने का अतिकाल द्रव्य को जानने की शक्ति द्वारा जानने का ही स्वभाव उसका है, बस ऐसा कहना है। समझ में आया, सिद्ध भगवान पर्याय द्वारा त्रिकाल परम तत्व में स्थित सहज दर्शन ज्ञान आनंद को उस सहज ज्ञान ज्योति द्वारा जानते हैं, ये माटे वो सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय है। एम आत्मा भी अपना अंतर दर्शन ज्ञान स्वभाव की शक्ति द्वारा आत्मा त्रिकाल द्रव्य को जानने ऐसा समर्थ वाला है, तो वो अपेक्षा से उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। समझ में आया,
એને વ્યક્ત રૂપ છે તે જાણે છે, અહીં શક્તિ રૂપ છે એવી જાણવાનો એનો સ્વભાવ છે. વસ્તુ 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 છે, કારણ સમયસર ભગવાન કેસા હૈકો ખ્યાલ મેં લિયા નહીં કભી સાહેબ આમ કે આ વ્રત લિયા દયા કરે જે કાલે પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતો ને રાત્રે પરિક્રમાદી કરે છે શુભ ભાવ છે સમજાને અને વ્રત નો શુભ ભાવ છે તો એ તો શુભ ભાવ નથી અને શુભ ભાવ કરવા જાય છે કરતું તો બધી થાય નિખ્યાત પોસાય છે નિખ્યાત કંપોષણ થાય વાત હૈ કે સંયક દર્શન વિના શુભ ભાવ હો સમજ મેં આયા વ્રત કા શુભ ભાવ ન હો પંચમ ગુણ સ્થાન મેં હોતા હૈ એટલે વ્રત કા શુભ ભાવ ને આ શુભ ભાવ મેં બહુ ફેર હૈ એટલે કોઈ આ સાથે એમ કહે કે જેમ પંચમ ગુણ સ્થાન વાળા શુભ ભાવ वो ऐसे आते हैं ना जो कर्तृत्व बुद्धि हो जाए तो मिथ्या दृष्टि है ऐसे यहाँ शुभ भाव हो पर व्रत का शुभ भाव नहीं है यहाँ तो स्वाध्याय का है भक्ति का है आदि का शुभ भाव है पर शुभ भाव का लक्ष्य तो अंदर होना चाहिए स्वभाव तरफ तो शुभ भाव हो उसके जानने वाला रहते हैं અને એના કર્તૃત્વ બુદ્ધિ હો જાય તો તમે ચાહ છે પણ ત્યાં ચોથે ગુણ સ્થાન મેં કે મિથ્યાત મેં પેલા વ્રત કા શુભ ભાવ નહીં હોતા હૈ એટલી ફેરે મોટા સમજમાં આયા વ્રત કા શુભ ભાવ ઉસકો સમ્યક દર્શન બિના ઓર મિથ્યાત હો ઉસમે હોતા સમ્યક દર્શન હોય તો એ સમ્યક દર્શન કો ચોથે ગુણ સ્થાન વ્રત કા ભાવ નહીં હોતા હૈ પાંચમે હો જબ સ્વરૂપ કી ઘણી દ્રષ્ટિ ઓર શાંતિ પ્રગટ હુઈ તબ શુભ ભાવ આયા વ્રત કા વો શુભ ભાવ ભિન્ન હૈ ને આ શુભ ભાવ ભિન્ન હૈ મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો ભી વ્રત વિના કા દયા દાન આદિ કા શુભ ભાવ આતા હૈ ઓર સંયમ દ્રષ્ટિ કોઈ વ્રત કે વિના કા દયા દાન ભક્તિ કા ભાવ આતા હૈ પણ વ્રત કા પરિણામ શુભ હૈ वो सम्यक दर्शन बिना ने सम्यक दर्शन हो तो भी शुभ भाव का कर्तृत्व तो उसको है नहीं आई तो सम्यक दर्शन है नहीं व्रत का परिणाम मानते हैं कि मैं व्रती हूं तो व्रति परिणाम की योग्यता का भूमिका ही नहीं है उसकी पंडित जी અને એવો શુભ ભાવ કા કર્તૃત્વ શુભમાં કારણ કે અમને રાખને કા તો પ્રયત્ન હૈ દ્રષ્ટિ તો સ્વરૂપમાં હૈ નહીં અનુભવ તો દ્રષ્ટિ કા હોય નહીં અને ઉસકા વ્રત કા પરિણામ મેં રાખને કા ભાવ હુઈ બિના મેં એસા રાખું મેં એસા રાખું સમજ મેં આયા એ તો મીઠા દ્રષ્ટિ કા પોષણ હૈ એ બાતમાં બહુ ફેર હા એવું સ્વરૂપ હૈ ન જાણે તો મીઠા પોસે છે ન જાણે હું વાંધો કઈ નથી વાંધા કે સાયા નર્ક ને નિગોદ માં જાય એ સહાય વાંધા શુભ ભાવ નિર્ગોદ માં જાય એકાદ ભાવ એ વખતે થોડા પણ બાંધે પણ મિથ્યાત કી તો પુષણ કરતે મિથ્યાત નિર્ગોદ કા કારણ હે સમજ મેં આયા રપ તપ એસા જો વિકલ્પ હૈ વો તો પંચમ ગુણ સ્થાન સે શરૂ હોતા હૈ સમ્યક દર્શન બિના નહીં ના અહીં તો સમ્યક દર્શન બિના એકદમ વ્રત આદિ હૈ લેતે હૈ સમ્યક દર્શન બિના દયા દાન ભક્તિ પૂજા એસા ભાવ આતા હૈ સમજ મેં આયા તો ઉસે પુણ્ય બંધ હોતા હૈ ઉસકો પણ ઉસકા મેરા કર્તવ્ય હૈ એસા સ્વીકાર હૈ સમીક્ષા થઈ પુણ્ય બંધ હોતા હૈ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો વ્રત કા પરિણામ હોતા હી નહીં ખરેખર તો સમજ આયા તેથી કહ્યા ને કે અજ્ઞાની કો તો બાળ વ્રત ને બાળ તપ હૈ દ્રષ્ટિ નમી કહે ચૈતન નિર્વિકલ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા હૈ એસા અનુભવ તો ભૂમિકા તો પ્રગટિ નહીં સમ્યક દર્શન કી ચારે કસાય મોજુદ ને મિથ્યા અભિપ્રાય મોજુદ હૈ
छात्रों का भाई, समझ में आया। सम्यक दर्शन में चौथा गुणस्थान वाले को शुद्ध होता है, दया का, दान का, भक्ति का, पूजा का, नाम स्मरण का, उसको व्रत का नहीं होता है। जात्रा कपन व्रत का उसका नहीं होता है क्या, भूमिका नहीं है उसकी, समझ में आया। तो क्या सहज स्वभाव हो उसको सम्यक दृष्टि जानते हैं, सहज हो क्या जानते हैं। अने पंचम गुण स्थान में भी भूमिका की निर्मलता बहुत प्रकट हुई और स्वभाव आया तो उसको भी सहज आया नहीं जानते हैं। मैं खेची ने लाऊं ऐसा करूं ऐसा होता, अज्ञानी ने तो खेच कर ऐसा व्रत करना ने ऐसा करना ने ऐसा पालना ने ऐसा आता है। बात बहुत समझ में आया। तो आई तो कहते हैं कि विकल्प आदि कर्तूत आदि वस्तु में है, सिद्ध में जैसा है नहीं ऐसा आत्मा में अभी नहीं है। समझ में आया। ये तो जानने वाला देखने वाला आत्मा है, वो पर्याय से जानते हैं भगवान, सिद्ध भगवान। द्रव्य का स्वभाव ही अपना द्रव्य को जाने देखे, ऐसी शक्ति का स्वभाव उसमें पड़े आए। सिद्ध भगवान कार्य पर्याय प्रणिमा है, आत्म द्रव्य जी कार्य प्रणिमा नहीं पर द्रव्य है। तो द्रव्य स्वरूप जो कारण समय सार है, कार्य समय सार दो में फेर नहीं, अरे गड़बड़ थी छे। मूल वस्तु आशा भी मुश्किल है, એવું ખુશ અને પછી વ્રતાજી માથે લઈ લીધા હોય અને હે નહી વસ્તુ તો હવે એને પાવડા મેટી જે તડફડિયા મારે અંદર રાખવા હતું, નહીં તો બહાર માં અબરું જાય, સમજને આયા। બળે કે અંતર મંદી ગયે બિના બીજા ક્યાં છે નીકળ્યા, એ છે આપણું કામ છે ભાઈ, આ તો નિર્માણ પણ કામ કરના કા હે। એ કોઈ માન લે કે હમે એસા હુઆ ને એસા હે બહાર સે તો એ ચીજ હે નહીં। અહીં તો સહજાનંદ જ્યોતિ અતિન્દ્રિય વિનાશી નિર્વિકલ્પ રાગ અને મોક્ષ કી પર્યાય કી ક્રિયા રહિત ऐसा द्रव्य की दृष्टि अनुभव हुए बिना कारण समय सार की सम्यक दृष्टि होती, समझ में आया। पीछे तो मौल जनक सूक्ष्मिक अभाव विभाव स्वभाव अभाव का देखो, हाँ तो कहते हैं सूक्ष्म ने उदय ने ये बता मौल जनक विभाव है, एना कर्म के निमित्त की अपेक्षा है न, विवाह भाव है वो, सिद्ध में नहीं ऐसे आत्मा में भी नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया। मलजनक सूक्ष्मिक भाव आदि, मलजनक का अर्थ सूक्ष्म तो है स्वभाव का अंश, पर उसमें कर्म का निमित्त पड़ा है ना, सहायक हुआ ही नहीं, सहायक हो तो भी निमित्त की अपेक्षा तो उसको भी विवाह भाव गन्ने में आया है, शिकारी परम स्वभाव की अपेक्षा से। मलजनक सूक्ष्मादि विभाव स्वभावों के अभाव के कारण, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय है उसका आश्रय करे तो राग मल ही उत्पन्न होता है। सिद्ध में यह है सूक्ष्मादि, सूक्ष्मादि लेना सूक्ष्म आदि विभाव स्वभावों के अभाव के कारण सिद्ध भगवान निर्मल है, ऐसे आत्मा भी पीछे शब्द है, उसी प्रकार संसार में आज संसारी जीव ऐसा ही है, कोई नहीं नाम शुद्ध नहीं की पाठ में है ना, जीवा संसिदी नेया जीवा संस्रतो जानवा, संसारी जीव को भी ऐसा अंतर में दृष्टि से जानना। निर्मल और द्रव कर्मों ने भाव कर्मों के अभाव के कारण, लो
એ સિદ્ધમાં નથી આઠ કર્મ ઓર નથી દયાદાનના વિકલ્પનો ભાવ કર્મ એસે આત્મા ભાવ કે વિશુદ્ધ આત્મા હે વિશુદ્ધ આત્મા દેખો અહીં સિદ્ધને વિશુદ્ધ આત્મા કહા પર્યાય કેવળ જ્ઞાન કો વિશુદ્ધ કહા કોઈ વખતે શુભ ભાવ કો વિશુદ્ધ કહે કોઈ કોઈ વખતે શુદ્ધ પર્યાય નિર્મળ ઉસકો વિશુદ્ધ કહે ઓછી શુદ્ધ પર્યાય કમ ઓછી શુદ્ધ પર્યાય ઉસકો ભી તમે મેં વિશુદ્ધ કહે શુભ ભાવ કો ભી વિશુદ્ધ કહે કેવળ જ્ઞાન કો ભી વિશુદ્ધ કહે સમજ મેં આયા વિશુદ્ધ આત્મા હે એસે હા ઉસી પ્રકાર દેખો સંસાર મેં ભી આ સંસાર કી વિકારી પર્યાય ઉદય ભાવ કે કાળ મેં ભી સંસારી જીવ કિસી નહી કે બલ સે કિસી નામ નિશ્ચય નહી કે બલ સે શુદ્ધ હૈ સમજ મેં આયા સબ સબ કે લેકર કે આયે અહીં વિશુદ્ધ આત્મા મેં કિસ એમ નહીં સબ કે પહેલા કહે ને સબ પહેલા અશરી અવિનાશ આનંદી આ નિમળા વિશુદ્ધ એ કારણે સમજમાં આયા શુદ્ધ હૈ ભગવાન ત્રિકા ધ્રુવ 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 શુદ્ધ કંદ આનંદ કંદ દળ હૈ એ તો જૈસા સિદ્ધકી પર્યાય મેં એસા ભગવાન દ્રવ સ્વભાવ તો વસ્તુ કહેતી આયા પવન મેં આતે નહીં જહા વહા વહા અહીંયા ફેર નહીં જીવા હા જૈસો જીવ શિવ ખેત વસે તેસો બ્રહ્મિયા વસે વહા વહા ફેર નહીં વાત એને અંતરમાં અભિપ્રાય થી બેસવી જોઈએ અંદરથી આમ આમ કેમ છે આમ કેમ છે તો એ બધા મિથ્યા દ્રષ્ટિ એ માર્ગ પાળે વ્રતના વિકલ્પ હૈ સબ મિથ્યા કોઈ પૂછતે મહાપાપ જો અનંત સંસાર કા કારણ કોઈ પાપ કો પૂછતે હૈ ભાઈ હા એવું છે ભાઈ શું થાય એમ કીધું છે ભવિષ્ય ભોગને માટે ભવિષ્ય ભોગને માટે વ્રત આદિ પાડે છે એમ રીતે ભવિ શરીર થવા માટે વ્રત પાડે તેને મુક્તિ થાય દાખલા છે ને અરે ક્યાં અહીં ત્યાં તો દાખલા પડે કે ભવિ વ્રત આદિ પાડે તો એ મુક્તિ હોતી નહીં તો એસે ભવિ કો ભી એસા એમ છે વાંચે એવો સ્પિરિટ જો ભોગ છે ને ભોગ નું ભોગ નિમિત્ત ભોગ નિમિત્ત બંધ અધિકાર બંધ અધિકાર ને કેટલા મિનિટ થાય છે જુઓ ભોગ ભોગ ગાથા એને એવું સદહી પતઈ રોચઈ તહપણું ફાંસી ગમ ભોગ નિમિત્તમ એની વ્યાખ્યા કરી કેવી કરી કે જૈસે કિસાન અન્ન કો પૃથ્વી પર ડાલતા હૈ ઇસલિયે નહીં કે બેકાર અપિતુ ઉસે ઇસલિયે ડાલતા હૈ કેસા કરને મેં મુજે કોઈ ગુણા અધિક હોકર ફળ દેગા ઇસી પ્રકાર અભય મુનિ ભી વર્તમાન ભોગો કા ત્યાગ કરતા હૈ વૈરાગ સે નહીં પરંતુ મેં માનવ ઉચિત ભોગો કો છોડ દુંગા તો મુજે સ્વર્ગીની ભૂખ પ્રાપ્ત હોંગે ઇસલે કરતા હૈ અરે એને તો નવમી ગ્રહ ન જાય ઓર શરીર કે કાય ક્લેશાદી તમ કરતા હૈ ભાઈ ઇસલે કે ગિનામ ને શરીર કો તપ મેં લગા દુંગા તો મુજે વિક્રિયાદી વૃદ્ધિ વાળા મિલેગા અભી તો ઇસલે નહીં કે મેં અશરીર બન જાઉંગા क्योंकि शरीर बन जाने का तो उससे महत्व मालूम नहीं इसलिए उसका संधान आदि नहीं है ठीक भवि को जो करते हैं या शरीर मैं करते हैं इसे अपना नाम आयो ने नोट थी नहीं अशरीर ठीक
આવી જવું છું એમાં જ આવી ગયું ત્યાં. હા હા ફરી એમ છે એમાં છે એમાં છે. દૂસરા ભવ દ્વારા ગાય ભવજી સ્વામી અશ્વરી બંધ રહેને કે લીએ ઉસે ધારણ કરતા હે. વાત ક્યાં થાય અહિયાં? હા અશ્વરી ભગવાન ત્યાં તો એમ કહેતે હે કે ભાઈ જો જીતના જીનવરે કહેલા વ્રત તપ આદિ એ શુભાવ ઓ જ્ઞાની ભોગ માટે કરતે ઉસકા અર્થ રાગ કા અનુભવ વર્તમાન માં હે ને અનુભવ માટે કરતે યું સ્વભાવ કા અનુભવ નહીં હે રાગ કા અનુભવ રાગ કા અનુભવ મેં રહ્યા કરતે હે તો રાગ કા અનુભવ માટે કરતે યું કહ્યા એમ કહ્યા માતાજી ભગવાન કે એનાથી મને સ્વર્ગ મળે તો પાપ બુદ્ધિ હે. નવમી દિન જાય છે ને પણ આ સેવા હાથ કરે છે ને અહીં તો કહેતે હૈ કે વ્રત તપ ભક્તિ કોઈ આ સહાય તો શુભાવ અભવી કરે પણ અશરીરી ચૈતન્ય દ્રષ્ટિ નહીં ઓ કારણ વ્યવહાર વ્યવહાર હૈ નિષેધ કરને લાયક એ આત્મા કો લાભદાયક હૈ ચાહે તો અભવી કરે કે ભવી એમ કહેતી તો અભવી તો દ્રષ્ટાંત દિયા હૈ તો કે અભવીને મેં કહા હૈ ભવી તો અશરીર માટે કરતા હે અશરીર માટે વ્યવહાર વ્રત પાડે અશરીર માટે આવા સમયસર સાપે લોકોને ખબર ન મળે તમને આવે કે નહીં આ તમને ખબર ન મળે એમ બધા વાંચે તો હા થઈ જાય અનંતવરગી અનંતવરગી હા સુનાય નહી બાત ક્યા હૈ અહીં તો ત્યાં તો દ્રષ્ટાંત દિયા ભગવાન ભાઈ અભવી જીનવર કહેલા વ્રત તપ એ તો અભવી ભી અનંત બાર કરતે હૈ તો ઉસે તો ક્યા સ્વર્ગ મિલે કોઈ મુક્તિ તો હૈ નહીં તો તું ભી એસે કરે તેરે ભી સ્વર્ગ હૈ મુક્તિ હૈ એમ કહા હૈ. અહીં તો કહેતે હૈ ભાઈ આત્મા તદ્દન શુદ્ધ ત્રિકાળી આત્મા હૈ અંદર એ વ્રત કા વિકલ્પ એ નહીં ને વ્રત કા વિકલ્પ કા ત્યાગ એ ભી ઉપમે નહીં એસા શુદ્ધ ભગવાન આત્મા ઉસકી અંતરદ્રષ્ટિ કરના આશ્રય કરના ઉસકા નામ સંયગ દર્શન ધર્મ કી પહેલી ભૂમિકા સમજને આયા. અડતાલી ગાથા પૂર્ણ કરતી ટીકાકાર મુના શું કહેતે શુભા શુદ્ધ વિકલ્પના ભવતી સા મિથ્યા દૃશી પ્રત્યમ શુદ્ધમ કારણ કાર્ય તત્વ યુગલમ સન્યક દૃશી પ્રત્યમ ઇથમ ય પરમાયમ અર્થ અતુલમ જાનાતિ સદ્રગ સ્વયં સારા સાર વિચાર ચારુ ધિષણા વંદામહે તમ વયમ. મુનિ પણ કહે છે ઓહો શુદ્ધ અશુદ્ધ ની જો વિકલ્પના એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો સદૈવ હોતી હૈ. દેખો ક્યાં કહેતે હૈ જો શુદ્ધ અશુદ્ધ કી વિકલ્પના વિપરીત કલ્પના મિથ્યા માનતા અનિશ્ચય શંકા કે ભેદ એ શુદ્ધ ને અશુદ્ધ પર્યાય કા ભેદ એ મેં હું મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો હતા તો એ બુદ્ધિ ની વાત કરે આયા પર્યાય શુદ્ધ ને સંસાર દશાએ અશુદ્ધ એસા એક દ્રવ્ય મેં ભેદ પાડતે પર્યાય બુદ્ધિ વાળા મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ સમજે નહીં હમ તો નહીં સમજે ફેર કરતે હૈ ને ક્યાં એસે લિખા હૈ ઉસમેં શુદ્ધ અશુદ્ધ કી વિકલ્પના ય મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો સદૈવ હોતી હૈ. સદૈવ હોતી અર્થ કા અર્થ કે અજ્ઞાની કી દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ને સ્વભાવ પર હૈ નહીં તો અજ્ઞાની કા વિકલ્પ મેં અમે પર્યાય મેં અશુદ્ધ હું ઓર પર્યાય શુદ્ધ હોગી એસી પર્યાય ઉપર ઉસકી દ્રષ્ટિ હૈ
तो पर्याय पर दृष्टि के कारण विपरीत मानता है, विपरीत मानता के कारण मिथ्या दृष्टि है, द्रव्य शुद्ध नहीं आया, पर्याय में आया अशुद्ध है, वो जाए के निकल करके शुद्ध होगा पर्याय में, दृष्टि पर्याय में, पर्याय में है, समझ में आया? अरे ना समझ इन्हें आंकड़ों पड़े मुझे है? ये तो ये बीजी बात है, एना ही बात नहीं, अँ तो दर्द दृष्टि ना विषय में ये बात आई समझाई से गाय आए तो कहते हैं कि पर्याय का अंश ऊपर अशुद्ध है, अंश चलेगा तो शुद्ध, ऐसी उसकी दृष्टि अंश ऊपर पर्याय पर है समझ में आया? सारा द्रव्य जो चिदानंद चौसलों पड़ू से अखंडानंद, उसका अनादर हो गया एम बात है, ये अवगुण जोवो बहु नहीं, जोवे से कौन, अवगुण जोवे कौन, द्रव्य दृष्टि थाय त्यारे अवगुण नी पर्याय नु ज्ञान करे, ये विना अवगुण जोवे कौन, सुन भाई आ बधु जुदी जात छे, जरा मीडा मुकवा पड़शे बे आ कालना तो समझाऊ का मारे करो न रमादम अधिकोपति सर्व जगत मा हूं एवो लक्ष्य, ये तो एनी पर्याय माँ आवो हूँ, आवो तो एवं ज्ञान करावे समझे, एम के आसर हो त्या जैया आ आ शब्द आकड़ो हे जो ये तो बोला वासना का सुधासु विकल्पना भक्ति सामिख्या दृष्टि प्रत्यम, एनो अर्थ के पर्याय की जो अवस्था है द्रव्य तो त्रिका या आनंद कंद ध्रुव है, और ऊपर तो उसकी दृष्टि है नहीं, अने पर्याय का अंश ऊपर ही जेना खजबलाट है, पर्याय में खड़ा रहकर अवस्था में खड़ा रहकर अशुद्ध है पीछे शुद्ध होगी, ऐसी पर्याय में खड़ा होकर आवाज विचार करते हैं तो ये पर्याय बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि है, बहुत जो ने शुद्ध शुद्ध विकल्पना भवती सा मिथ्या दृष्टि, हा हा आगल कैसे आवश्यक नहीं नैरात्मा ने आ विचार आ आसन आसन से एक बीजे बोल नहीं आवश्यक से आलोचना आवश्यक आवश्यक है आवश्यक नहीं एक आम क्या कर श्लोक से 150 अंतर बही जपे वटे सो हवे बहिरप्पा जपे सुर जो न वटे सो उच्च अंतर नप्पा, या तो हिंदी से नहीं इतने आई 150 गाथा देर से पचास है ना, जो उसका अर्थ लो जो अंतर्बाह जल्प अंतर्बाह जल्प में वर्तता है वह बहिरात्मा है, भाषा देखो उसका अर्थ वो पर्याय बुद्धि में वर्तते हैं, यम समझ में आया, वो बहिरात्मा है जवाहरलाल जी, हाँ वो तो ठीक नहीं ऊपर शब्दार्थ जो अंतर्बाह जल्पे आई तो महा सिद्धांत कुंकुंदाचार का अनुव्यार्थ नहीं अनुव्यार्थ शब्दार्थ एना ऊपर वाचे उसके ऊपर अनुव्यार्थ शब्दार्थ शब्दार्थ है नहीं वह बहिरात्मा है कुंकुंदाचार कहते हैं पर्याय ना भेद में पड़ा है ठीक तुम्हारा ऐसा प्रकार नहीं आते हैं पर्याय का वेद में पड़ा है आखा द्रव सुख जाते हैं पसंद जी
हाँ 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 कुमकुंदाचार कहते हैं देखो बाय ने अंतर जल का निवासी बाय अंतर बाय जलप में वर्त है उसका अर्थ कि विकल्प की पर्याय में वर्त है वर्तमान विकल्प आया शुभ अधिक में ऐसा उन ऐसा उन ऐसा विकल्प में वर्त है तो विकल्प में वर्त है तो मिथ्यादर्शी है समझ में आया द्रव स्वभाव में वर्त है वो सम्यकदर्शी है अरे काम भाई ये आपको नियम साहब तो पंच समय साहब करता कितनी बात में जीणू है एट ने ठीक वाँचू नहीं नियम साहब निकल हम भाई तू शीतल प्रसाद ने हा थो कहीं जयपुर नहीं जयपुर में समर्थ न तो शीतल प्रसाद ए कोई मिले नहीं नियम साहब बाहर नतु श्रीमद ना वक्त बहार आयु नतु एने मिलू नहीं श्रीमद ने हम शीतल प्रसाद त्या कर બારે પછી એને હિન્દી ટીકા થોડી બનાવી પહેલી એની ટીક પછી બારે આવી હમણાં જ આવી ટીકા પેલા બંધ હતું હમણાં ક્યાં હમણાં હતા ના હમણાં ક્યાં હમણાં જોયું છે ને એમાં છે ને આપણે છે ને નિયમ સર છે શીતલ પ્રસાદ અહીંયા ચોરાણ માં અહીંયા આવ્યા હતા 15 દિન ગયા હતા આપણે આજે ઉઘાડ્યું ને હા સ્વાધ્યાય મંદિર સ્વાધ્યાય મંદિર નું આજે કર્યું ને અંદર ની સમયસર ની પ્રતિષ્ઠા એને હાથે કરી હતી આપણને ક્યાં મંત્ર મંદિર એવા આવડતા હતા ન્યાય હતા એ ઉદઘાટન થયું ન્યાય હતા 15 દિન શીતલ પ્રસાદ 94 માં પછી ગુજરી ગયા પછી હે લખનઉ મેં રહેતા લખનઉ મેં રહેતા ને ઉદઘાટન થયા એમ મિત્ર કે સાથે કંપ હો ગયા થા કંપ યા 15 દિન રહી ગયા 94 દ્રષ્ટિ માં ખબર નિમિત્ત પ્રધાન છે કથન કરશે કઈ થોડું બોલાશે પણ ઓ યા શીતલ પ્રસાદ સમજે પહેલા ઉસકો હાથ આયા જયપુર કા ભંડાર મેં તમાશા ક્યાં હતા તો ઉસને આતા તો ઉસને પછી હિન્દી બનાવી વો હે પૂછ વાપસ જુનું નદી તો આતો અને નયા બના ઉસને સંસ્કૃત ભાઈ અહેમદભાઈ એ સંસ્કૃત મૂળ કો છુકર બનાયા હે સંસ્કૃત કો હડકર એસી એસા સુર તો ઉસને હે નહીં સમજાયા ઓહો હે ગંભીર હે ભાઈ વાત શીતલ પ્રસાદ લખ્યું છે ઉસને કે કઈક સમયસાર કરતા પણ નિયમસાર બહુ સૂક્ષ્મ હૈ ઉસને ભી અધિક હૈ એસે લિખા હૈ ઉસને હા હવે આ વાંચે તો હમજે એની માતા પર ક્યાં કહેતે હૈ અરે પોતે કુનકુંદાચાર કહા કે અંતર ને બાય જલ્પ માં વર્તતે હૈ એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ રાખ નિકાલના ક્યાં વિકલ્પ નહીં હૈ સંકિતિ કો નહીં હૈ અરે સુન તો સહી સંકિતિ જલ્પ મે વર્તે નહીં સંકિતિ જ્ઞાન મે વર્તે હૈ જલ્પ કા જ્ઞાન કરતે હૈ સમજ મે આયા રાગ મે વર્તે હૈ વર્તન મે પ્રજા હૈ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ આશ્રમ મે વર્તન કરતે હૈ તો જો આત્મ સ્વભાવ નહીં ઉસે વિરુદ્ધ ભાવ ઉસમે વર્તે તો કુનકુંદાચાર 150 માં કહા અંતર ભાઈ જલ પે વર્તે ઓ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ ભર કે બસ તો વિકલ્પ હોતા હી નહીં સંકિતિ કો મુનિ કો મુનિ ને હો એક છે મુન કો વિકલ્પ ને મહાવર અરે સુન તો સહી તને ખબર નહીં એ વિકલ્પ હૈ ઉસમે જ્ઞાની વર્તે નહીં આયા આશ્રમ માં વર્તે તો દ્રશ્ય મીઠા થઈ ગઈ મીઠા થવા કુનકુંદા સર પકાર કરતે 150 ગાથા સમજે આયા અને આયા ટીકા ટીકા તો કરશે શુદ્ધ અશુદ્ધ કીધું વિકલ્પના વિકલ્પના અર્થ કર્યો ને અમારે પંડિતજી
विपरीत कल्पना, विपरीत कल्पना अर्थात दृढ़ दृष्टि छोड़कर पर्याय बुद्धि में आ गया, पर्याय में अपना सर्वस्व माना, एम कहते हैं भगवान आनंद कंद ध्रुव स्वभाव का अनादर हो गया। समझ में आया? अरे एक समय की पर्याय उसमें खड़ा होकर खड़ा रहना वो मिथ्यादर्शी है। समझ में आई? पर्याय बुद्धि है, धर्मी की पर्याय बुद्धि नहीं। समझ में आया? आते हैं ना वो पर्याय बुद्धि नहीं, मरना सुना सिद्धि सिद्धि वृद्धि जिसे घटने अंतर की रक्षी को जाति लक्षपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत को, सुखिया सदैव ऐसे जीव संकेत है। गोथा बन रही बात है, न गृहस्थ है न यति है, न थी सावक न थी साधु। गोथा निवास करते हैं। समझ में आया? कहते हैं कि अहो शुद्ध शुद्ध की जो विकल्पना विपरीत मान्यता, इतने के अंश बुद्धि में रहकर अंश की कल्पना में रहने भरते हैं। मिथ्या दृष्टि को सदैव, मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है यूं, क्यों द्रव्य दृष्टि वस्तु द्रव्य है वो तो दृष्टि में आया नहीं, तो पर्याय में ऐसी कल्पना अशुद्ध है, शुद्ध होगू शुद्ध होगा ये तो पर्याय में उबा खड़ा होकर संवाद विचारते हैं बोलते हैं करते हैं, तो पर्याय में पर्याय बुद्धि है, तो मिथ्या बुद्धि अंश बुद्धि में सारा द्रव्य को अभाव कर दिया। अरे काम समझ में आया? शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना वह मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है भाषा से, क्यों चाहे तो व्रत तप दया दान भक्ति करें मौन रहे बोले, तो उसमें विकल्प का राग का अंतर आश्रय न, राग ऊपर बुद्धि उसकी है। समझ में आया? सदैव होती है, हम कितु देखो निरंतर, तो सम्यक दृष्टि को निरंतर विकल्प में वर्तना है नहीं। शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना भेद बुद्धि पर्याय बुद्धि विपरीत कल्पना वस्तु से विपरीत पर्याय बुद्धि की कल्पना मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है, सदैव होती है। एक अंश में खड़ा होकर सब विचारते हैं। समझ में आया? एक अंश में खड़ा है तो अंश बुद्धि होगी, पर्याय बुद्धि होगी। पर समय हुआ सम्यक दृष्टि को तो सदा ऐसी मान्यता होती है कि देखो सामने ना क्यों गुनाट खाएंगे, बोले हम सदा ही राम सुन। कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है, कारण द्रव्य भी शुद्ध है न कार्य सम भगवान सिद्ध भी शुद्ध है, ऐसी मान्यता में पर्याय बुद्धि उसकी होती नहीं, द्रव्य बुद्धि होती हम कहते हैं ना। सम्यक दृष्टि को तो सदा ऐसी मान्यता है कारण द्रव्य जो शुद्ध टिकाव शुद्ध हो, पर्याय अशुद्ध ने पीछे पर्याय शुद्ध ऐसा तो पर्याय दृष्टि की बात है, द्रव्य में ऐसा है ऐसा कारण तत्व कार्य तत्व जैसा शुद्ध है, इस प्रकार परमायम के अतुल अर्थ को सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा जो ओहो, इस प्रकार परमायम भगवान का परमायम उसका जो अतुल अर्थ उपमा विना अर्थ परमायम के अतुल अर्थ, अतुल अर्थ के निश्चय का जो अर्थ है वो जो अर्थ समझते हैं हम कहते हैं। सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि, सार है तो कारण द्रव्य है, बाकी राग आदि के पर्याय आदि असार है। आया था अपने कलश में आया था सर्व तत्व में सार आत्मा है।
दिया। नंबर ने जरा पर्याय हुई नहीं, मुझे आया पहले आया था 38 में, 38 में आया था, देखो 16 में आया था ना, 16 में सर तो तुम्हें जो इच्छा रहे 38 में पहला कौश है, देखो चौपन का कौश है, सर तो तुम्हें जो इच्छा रहे सर तो तुम्हें एक सार इतने द्रव सार पुण्य पाप विकल्प ने संबरिद्रा मुख सर तो तुम्हें एक द्रव सार ये सार अने पर्याय आदि असार दो का विचार करने में सुंदर बुद्धि वाला सुन दृष्टि के देखो ये परमाग्यम के अतुल अर्थ को परमाग्यम में अतुल उपमा विनाना जो न्यायिक कहना है ऐसा अर्थ को सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा सन्न दृष्टि स्वयं जानता है। कारण तत्व द्रव्य स्वभाव और कार्य में शुद्ध ही है बस, उसमें बोली अशुद्धता या है पीछे शुद्ध होगी ऐसा दृढ़ में है नहीं। ऐसे अतु कारण तत्व ने कार्य तत्व दोनों शुद्ध है, इस प्रकार परमायम के अतुल अर्थ को शास्त्रना महा अलौकिक अर्थ को सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा सम्यक दृष्टि को तो सात चीजें ध्रुवी है, सम्यक दृष्टि का विचार में सार तो ध्रुवी तत्व है। काय शुद्धि तो सिद्ध की बात यार, कारण तत्व तो दृढ़ ही लिया तो पहला समझ में आया, कहीं आवा तो संप्रदाय में चाले नहीं, संप्रदाय में चला हाँ व्रत करो तप करो दया करो दान करो आ छोड़ो आ छोड़ो छोड़ो बधु मूको धर्म खबर नहीं शू करे लूटाना से लूटाई गया से जगत आखू वितराग मार्ग से विरुद्ध हो लुटाई गया है, वितराग परमात्मा के थे उसकी ऐसी खबर नहीं। आया देखो हमें आई ना समस्त दर्श होने वाले भाव से दूर है, उत्पाद से मैंने दूर है वो आया था हूँ सर तो तुम्हें सार है न समस्त दर्श नष्ट होने भाव से दूर है, राज से तो दूर है भगवान पर उसकी पर्याय उत्पाद से दूर है तू कैसे समझू मारू बात नहीं जी अजय तो एक इंडिया बे इंडिया तीन इंडिया चौर इंडिया पच्चीस इंडिया में पियो हो तो मिठा नहीं नहीं ताल का ठाणे मौने छाने पान हो आखो आत्मा हो सकते आत्मा कोने के बनी खबर कैसे ये सम्यक दृष्टि कैसा है कि परमायम के उपमा बिना ना अर्थ निश्चय का सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा जो सम्यक दृष्टि स्वयं जानता है पर की अपेक्षा रखे बिना द्रव्य त्रिकाल ध्रुव शुद्ध है ओ मैं हूं पर्याय आती जाती उत्पन्न होती है वो भी मारा टिकाली करो नहीं। मुनि कैसे ओहो उसे हम वंदन करते हैं मुनि प्रमोदाता बहन भाई सारा अवतार एम कहते हैं समझ में आया ये नमता इतनी ही बहुत आदर करते हैं प्रधान कथन आया मुनि जी सुन दृष्टि है उसको सीधा है कन्या उस आदर करते हैं क्या हो धन्य भाई तेरी दृष्टि और तेरा ज्ञान यथार्थ है
दिन आया जो 48 गाथा पूरी हुई। यदि सद्विभावा व्यवहार नयम पड़ूत भयदाऊ, ध्यान राखजो अंदर टीका में उपादेश आपसे व्यवहार पड़ूत भणीदा एनो अर्थ निकलो व्यवहार नहीं थी जनाया छे एनो अर्थ त्या उपाधि एट ज्ञान करवाने माटे कया आया। यदि सद्विभावा व्यवहार नयम पड़ूत भणीदा सवेसी दसोहावा सुद नया संसिदी जीवा। व्यवहार नहीं से है कहे सब जीव के ही भावे कौन नर गति राग ने पर्याय ने बदी जीवना कई व्यवहार नहीं उदय भाव ने शोक संभाव ने क्षाय भाव ने ये धर्म की पर्याय ने वो आत्मा भगवान व्यवहार नहीं से कहा है ने व्यवहार नहीं पड़ू से व्यवहार नहीं ने आश्रय कहा क्यों वो अर्थ उसने उपाधि में लिया है उपाधि नाम वो जानने लायक है ये व्यवहार नहीं का विषय जानने लायक है और स्वभाव का त्रिकाली वस्तु अदरने लायक है आया। व्यवहार नहीं से है कहे सब जीव के ही बावई है शुद्ध नहीं से जीव सब भवली न सीध स्वभाव से है भवली नहीं संसारी संसिधी है ना अंदर संसिधी है भवली नहीं सिद्ध स्वभाव सिद्ध स्वभाव जैसा सर्वात्मा व्यवहार नहीं से ज्ञान कराया उदय भाव क्षय भाव आदि पर्याय में है व्यवहार में है। ओहो आया सच्चा मोक्ष मार्ग जो है चिदानंद भगवान आत्मा के अंतराश्रय से जो प्रकट हुआ कोई व्यवहार नहीं का विषय जानने लायक हम कहते हैं तो अस्थि है ना ये अस्थि एट जानने लायक जानवा माटे उसको उपाधि कहने में आता है क्या ने वो आशिटी का मार उपाधि का के वो द्रव स्वभाव है टिकाली वही जानने लायक ना आदरने लायक है ये पर्याय में जी क्षायक भाव आदि उदय भाव है ये जानने लायक है उसका ज्ञान करने लायक है वो अस्थि है ना पर्याय में राग आदि है निर्मल पर्याय है तो इतना ज्ञान करना वो माटी उपाधि कहने में आया ज्ञान करने माटी समझ में आया आश्रय करने लायक ने वो आदरने लायक ऐसा वो पार्षद बोलते हैं देखो ना ये माटी कहीं व्यवहार नहीं पड़ू भणी दा व्यवहार नहीं आश्रय कहया कया नाम जानने लायक है एम उसका अर्थ लेना कथन तो वाचक है पर व्यवहार नहीं से वो पर्याय है उसको जानने लायक जो टीका यह निश्चय ने व्यवहार नहीं की उपाधिता का प्रकाशन है देखो कि उपाधि नो बोलो व्यवहार नहीं ने जानवा नो अर्थ करो दूसरा पद है ना उसका कि जानने लायक है व्यवहार नहीं नो विषय नहीं है ऐसा नहीं है वेदांत कैसे है कि एकला द्रव्य है न पर्याय है नहीं राग है ऐसा नहीं पर्याय है राग सुबादी है क्षायिक भावादी है उत्सम भावादी है उसको जानना ऐसा ज्ञान का ग्रहण करना ऐसा कहने में वो भी आया नहीं उनमें सब तो अपना मोक्ष मार्ग है नई को ग्रहण क्रिया करने के कहा है ना उपाधि ग्रहण उपाधि ग्रहण ग्रहण करना कहा है ना ग्रहण करना का अर्थ जानने लायक है हाँ समझ में आया उसका विशेष अर्थ होगा।